टेंस बना है दो शब्दों से, टेंस बना है दो शब्दों से। फर्स्ट है आपका वर्क, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, वर्क मतलब कार्य एंड टाइम मतलब समय। इन दो शब्दों से मिलके बना है टेंस। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन, टेंस इज आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द टाइम फॉर डू एनी वर्क। जब भी हम कोई भी काम करते हैं उस काम का जो समय दिखाता है वह समय कहलाता है टेंस। ओके, कोई काम करने में जो समय लगता है उस समय को जो आइडेंटिफाई करता है उसको हम करते हैं टेंस के माध्यम से। ओके फ्रेंड, समझ में आ गया होगा टेंस क्या होता है। अब हम इसकी टाइप्स की बात करें तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये आप सबको मालूम होता है। टेंस को डिवाइड तीन प्रकार के क्यों बोला गया है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस जो बोला गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी काम जो होता है वो तीन ही तरह से होता है। एक तो काम हो चुका है, हो चुका है, हो गया है, या फिर जिसमें क्या होता है प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है। ओके, एंड दूसरा काम हो चुका था। ओके, और तीसरा काम हो चुका होगा, मतलब तीन ही तरीका से होगा ना। एक तो काम हो गया था, हो गया है एंड होगा फ्यूचर में। ओके, तो कोई भी काम कितने तरीका से होता है, तीन तरीका से होता है। तो इसी बेस पे हम टेंस को तीन भाग में बांटते हैं काम के बेस पे। दे आर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स ऑफ टेंस ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। जो फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड सेकेंड पास्ट टेंस एंड तीसरा है आपका थर्ड इज फ्यूचर टेंस। बस यही तीनों टेंस हैं, यानी कि ये तीनों काम हैं जो कि समय को दिखाते हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस का हिंदी मालूम होगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। हिंदी पे नहीं आएंगे क्योंकि टेंस है, इसके लिए हमको इंग्लिश थोड़ा बहुत जानना, क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू नो अबाउट द इंग्लिश। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, आज की वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं केवल और केवल प्रेजेंट टेंस की बात करूँगा, और सेकेंड वीडियो आएगी मेरी जिसमें हम पास्ट एंड फ्यूचर को, क्योंकि जो बच्चा प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया वो पास्ट एंड फ्यूचर आराम से पढ़ लेगा। ओके फ्रेंड, टुडे वी हैव फोकस ओनली द प्रेजेंट टेंस। अब बताइए प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, मतलब कोई भी काम जब वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है उसे ही बोलते हैं प्रेजेंट टाइम, यानी कि प्रेजेंट टेंस, जिसको हम डिफाइन करते हैं रिसेंट पीरियड ऑफ वर्क, जो काम अभी अभी हुआ है, रिसेंट पीरियड ऑफ वर्क। कोई भी काम जब अभी अभी ख़त्म हुआ है जिसका असर अभी भी है हमारे पास, इसी को बोलते हैं हम, कोई भी काम का असर जब तक रहता है इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस।
और पहचानने के लिए प्रेजेंट टेंस के लास्ट में है लगा होता है, जो आप सभी को मालूम है। इसकी पहचान है कि इसके लास्ट में है लगा होता है। वह गया है, वह पढ़ा है, वह खा चुका है, वह दौड़ चुका है, वह लिख चुका है। इसके बेस पे, वर्क के बेस पे प्रेजेंट टेंस को भी चार भाग में बांटा गया है। कॉमनली तो तीन ही होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा उसमें समय जोड़ देते हैं तो चार हो जाता है। जिसमें फर्स्ट आपका आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोलते हैं, या प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड द लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके फ्रेंड, ये चारों टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस के। अब हम एक एक करके एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। ओके फ्रेंड, चलिए आप देखते हैं स्टार्टिंग से। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट था सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट टेंस नाम से ही लग रहा है कि सिंपल, और इंडेफिनिट का मतलब होता है इनकम्प्लीटेड, अधूरा, इंडेफिनाइट। ओके, इसका डिफिनेशन की बात करें, इनकम्प्लीट या फिर इनडेफिनेट, द वर्क
एट प्रेजेंट टाइम दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, मतलब ये कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी वर्क अगर इनकम्प्लीट हुआ है, अधूरा किया गया है, उस काम को ही दिखाने वाला जो समय होता है इसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, इसकी पहचान होती है बचपन से पढ़ते आए हैं, जिसमें जिसके लास्ट में लिखा होता है ता है, ती है, ते हैं, ये सब याद करने के लिए है, समझने के लिए. तो ये है कि अधूरे किए गए काम को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं. जैसे वह खाया है कि नहीं खाया, ये काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन क्या है हम बोलते हैं वह गया है. ओके, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है, समझ रहे हैं, वह खेलता है, काम पूरा नहीं हुआ, वह खाता है. अब वो खाता है कि नहीं खाता है वो उस पर डिपेंड है, लेकिन हम बोलते हैं वह खाता है तो काम क्या हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है ना. वह खा चुका है तो मतलब वह खाना खा चुका है, वह खाना खा रहा है, इससे पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है, चल रहा है अभी, लेकिन खाता है तो काम अधूरा है ना. तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट है. ऐसे सेंटेंस को इसमें हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में. इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हम लिखते हैं सब्जेक्ट. और ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है. इसमें क्या होते हैं, तीन ही चीज़ कॉमन होते हैं कोई भी हम ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें. फर्स्ट होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब एंड तीसरा ऑब्जेक्ट. हम कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं इसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ही आते हैं. ऑब्जेक्ट गायब हो जाएंगे, लेकिन कुछ सेंटेंस इसमें आएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे, लेकिन अधिकतर में ये सारे तीनों रहते हैं. सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउंस होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं. वर्ब जो क्रिया होता है, वर्क होता है, मैन वर्ब. ऑब्जेक्ट में भी कोई क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं. ओके, सब्जेक्ट नाउन एंड प्रोनाउन, वर्ब वर्क फंक्शन जिसको बोलते हैं, एंड ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन. जैसे सब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं राम, वर्ब का एग्जांपल ले लेते हैं प्ले, ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं फुटबॉल. ओके, इसी तरह इसके बनाने के पहले स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, और इसमें एक जुड़ता है एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. ये छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया. सब्जेक्ट में जो भी नाम्स आएंगे, वर्ब में वर्क आ जाएंगे, एस या ईएस किसके साथ लगाते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन में अगर एक आदमी होगा उसके साथ हम लगाते हैं एस या ईएस. थर्ड पर्सन कौन होता है, जैसे ही, सी, किसी का नाम, ही हो गया, सी हो गया, एंड नेम्स. इन सारे के साथ हम वर्ब के बाद लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस या ईएस को हम जोड़ते हैं. ये बात को आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में ताकि याद रहे. ओके, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं.
गीत गाते हो। अब यहां तुम क्या, तुम प्रोनाउन है तो तुम प्रोनाउन है, ये क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, तुम का इंग्लिश क्या होता है यू, वर्ब, वर्ब क्या गाना, गाना का इंग्लिश क्या होता है सिंग, गीत गाना सिंगर सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है गीत। देखिए ऐसे या यस का यूज हम नहीं किए हैं क्योंकि तुम है, तुम क्या होता है सेकंड पर्सन होता है, यदि थर्ड पर्सन होगा तो इसके साथ हम ऐसे या यस लगाएंगे, जैसे हम आपको एग्जांपल के थ्रू इसको भी बताएंगे। ओके फ्रेंड, जैसे मदन गीत गाता है, जैसे मदन गीत गाता है, इसमें क्या है मदन थर्ड पर्सन, नाम जितने भी आते हैं थर्ड पर्सन में, तो मदन के लिए हम मदन लिखेंगे। गाना की इंग्लिश क्या होता है सिंग, इसमें एस लगा देते हैं। वर्ब क्या है गीत, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है गीत, तो सिंग सो सॉन्ग। ओके फ्रेंड, तो ये हमारे जो बन गए अफर्मेटिव वाले सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव वाले जो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, मतलब सकारात्मक जिसको बोलते हैं। अब इधर लिखते हैं निगेटिव वाले के लिए, निगेटिव होता है नकारात्मक, और नकारात्मक में हम इसका स्ट्रक्चर बताते हैं, मतलब इसमें नहीं लगा होगा तो नहीं लगाने के लिए इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, तो सर डू या डज लगा देते हैं, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, इसमें भी मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। ओके, नोट कर लीजिएगा, वैसे नोट करने की ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, फर्स्ट एग्जांपल है। अब देखिए इसमें तुम तो नाउन से या प्रोनाउन से है, तो इसके लिए हम यू एस या यस को हटा दिए हैं, इसके बदले में हम डू या डज लिखेंगे, याद रखिएगा। और डू या डज, डू किसके साथ लगेगा ये हम आपको बता देते हैं, यू डू नॉट या फिर डोंट भी लिख सकते हैं, गो टू स्कूल, यू डोंट गो टू स्कूल या फिर यू डू नॉट गो टू स्कूल, जितने भी थर्ड पर्सन, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम एस या एस लगाते थे, सेम उसी तरह हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाएंगे, आई के साथ लगाएंगे, बाकी हम सेकेंड पर्सन के साथ अब प्लूरल नंबर के साथ हम डू का यूज करते हैं। ओके, राधा किताब नहीं पढ़ती है, क्या बनेगा राधा, राधा क्या है सब्जेक्ट, तो राधा
थर्ड पर्सन के साथ हम डज डू या डज लग इसके साथ हम डज का यूज करते हैं, डज का, राधा डज नॉट। पढ़ना के इंग्लिश क्या होता है? रेड। ऑब्जेक्ट क्या है अपना? वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। तो हो जाएगा राधा डज नॉट रीड अ बुक। ओके फ्रेंड, चलिए अब हम बात करेंगे, अफर्मेटिव हो गया, अब इसका इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव मतलब होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं, मतलब होता है क्वेश्चन वाचक शब्द, जिसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आएगा, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, अब खुद आप बना सकते हैं, इस पर हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब में हम लिखें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब इसमें छूट गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी वर्ब छूट गया है। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम गीत गाते हो? क्या तुम गीत गाते हो? क्वेश्चन मार्क। अब क्या तुम गीत गाते हो का क्या होगा? डू या डज पहले, डू या डज पहले लगेगा, तो तुम के साथ क्या लगेगा? डू, तो डू यू, सब्जेक्ट क्या है? यू हो गया, वर्ब गाना, सिंग गीत क्या होता है? सॉन्ग होता है। ओके, इसी का अगर नेगेटिव बनाना होगा तो बस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सॉरी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वन प्लस सब्जेक्ट लिख देता हूँ। आप लोग खुद कोशिश कीजिए बनाने का और प्रैक्टिस कीजिए, दो चार और बना के, सब्जेक्ट प्लस नॉट एग्जाम्पल। क्या तुम घर नहीं जाते हो? क्या तुम घर नहीं जाते हो? अब बनाइए इसका क्या होगा? डू यू नॉट गो
टू होम फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली, इसका दूसरा नाम है डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस आते हैं डब्ल्यू एच फैमिली में। कुछ हम सेंटेंस का एग्जांपल आपको लिखते हैं जो नोट कर लीजिएगा, जैसे व्हाट का हिंदी क्या होता है, क्या ही होता है। व्हाई, व्हाई मतलब क्यों। वेयर कहाँ, इसका डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब यह है कि सबके पहले डब्ल्यू एच लगा हो। ओके, हु कौन, हाउ, इसमें थोड़ा एक डब्ल्यू एच आगे पीछे हो गया है, कोई नहीं, याद रखिएगा। कैसे, ओके। अब डबल इंट्रोगेट डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब समझ में आएगा, इससे पहले इसमें डब्ल्यू एच लगा हुआ है। ओके, एंड डबल इंट्रोगेटिव का मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता था, किसी भी क्वेश्चन का आंसर, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन आंसर देना, किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई हम यस या नो में देते थे, उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। जैसे क्या तुम घर गए, तो बोलेंगे यस या नो। क्या तुम स्कूल जाते हो, यस या नो। क्या तुम खाना खाए, यस या नो। दो ही शब्द में देंगे, या फिर यस में या फिर नो में। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, थोड़ा सा हमको रिप्लाई जो करना पड़ता है थोड़ा लंबा होता है। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं गए, इसमें तो नहीं बोलेंगे यस या नो, क्वेश्चन तो है सेम, इसको थोड़ा सा लंबा रिप्लाई देना पड़ेगा। ओके, मेरा साइकिल ख़राब हो गया इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाया, रास्ते में ट्रैफिक थे इसलिए स्कूल नहीं जा पाया, कोई भी रीज़न। तो इसमें आंसर क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए इसका नाम है डबल इंट्रोगेटिव। और डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब इसके पहले डब्ल्यू एच लगा हुआ है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे तो उसमें बचा हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका ये वाला डब्ल्यू एच फैमिली, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ये स्ट्रक्चर तो आपको मालूम होगा, कुछ नहीं करना था। जैसे इंट्रोगेटिव में जो स्ट्रक्चर था अपना, डू या डज, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये था इंट्रोगेटिव में। और डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, इसके पहले सिर्फ हमको डब्ल्यू एच जोड़ देना, बन गया। डब्ल्यू एच फैमिली में क्या था, क्यों है, क्यों के लिए देखें क्या है, वाई। डब्ल्यू एच की जगह पे हम लिखेंगे वाई, तो पहले आ जाएगा वाई। यू डू या डच, दोनों में से क्या होगा, डू। सब्जेक्ट में क्या है, तुम, वाई डू यू, नहीं है तो इसमें हम नॉट लगा देंगे ना, तो वाई डू यू नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, जाना, जाना का क्या होता है, गो। कहाँ, स्कूल। टू क्या होता है, प्रीपोजिशन है जो डायरेक्शन को दिखाता है, स्कूल। ओके फ्रेंड, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। अब मैं आपके लिए कुछ बनाने के लिए देता हूँ, जो आप बना के दिखाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके,
जो आपका क्वेश्चन है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, मैं खाना खाता हूँ, तुम खेलने नहीं जाते हो, राधा कब स्कूल जाती है, क्या तुम घर जाते हो। ओके, ये है आपका क्वेश्चन जो आप बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड एक WH फैमिली का वर्ड है कब, जिसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हेन, WHEN व्हेन मतलब होता है कब। ओके, ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। स्ट्रक्चर अब जैसे हम बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे, ज़्यादा इसमें अब आपको आप खुद बनाने का कोशिश कीजिएगा। ओके, दूसरा क्या था अपना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू। इससे आपको समझ में आ रहा होगा टू कंटिन्यू द वर्क, टू कंटिन्यू द वर्क एट प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान समय में कोई भी काम जब लगातार चल रहा होता है, इसे ही हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लास्ट में हम पहचान के लिए लिखते हैं क्या, रहा है, रही है, रहे हैं, याद करने के लिए। ओके, समझने के लिए बस इतना काफ़ी है। अब स्ट्रक्चर इसका सेम वैसा ही होगा जैसे हम वो बनाते थे। इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब का नाम हम इधर लिख देते हैं। कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं आपका, इज, एम, और ये तीनों हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। अब स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे तो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में सेम हम वैसा ही लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यही याद रखिएगा। मैन यही होता है, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर लिखते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन बनाएंगे स्ट्रक्चर मेरा ऐसे भी बनेगा। तो सबसे पहले क्या बताएगा, सब्जेक्ट बनेगा, इसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो इज या एम, ये तीनों में से कौन एक गुना लिखेंगे, इज या एम या आर, प्लस क्या है वर्ब यानी कि मैन वर्ब, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं प्लस आई एन जी जोड़ देते हैं इसमें, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम बनाएंगे इसको। मैं
घर जा रहा हूं। इसमें मैं क्या है? सब्जेक्ट। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। आई के साथ क्या लगता है? इज एम आर तीनों में से क्या लगेगा? एम लगेगा। भारत का फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना। जाना क्या होता है? गो। जाना का क्या होता है? गो। इसमें क्या लगेगा? आई एन जी तो क्या हो जाएगा? गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? घर। गोइंग टू होम। मैं घर नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू होम। यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे अगर निगेटिव वाले सेंटेंस होंगे तो। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू होम। निगेटिव इसी तरह बना लेंगे। कोशिश कीजिए खुद स्ट्रक्चर बनाने का। ओके, अभी अपना हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए बस वही फंडा अपनाना है। हेल्पिंग वर्ब पहले, यानी कि इज या एम, आर पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको खुद बनाने का कोशिश कीजिए। एक बना लिए समझ जाइएगा कि अब टोटल बन गया। अब बनाने की ज़रूरत है, बताइए। तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या बनेगा? सॉरी, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो डबल इंट्रोगेटिव वाला आ गया ना। क्या तुम पढ़ रहे हो? इज एम यार, तो तुम के साथ क्या लगता है? आर मालूम होना चाहिए, तो आर यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या? पढ़ना, रीड। इसमें क्या लगा है? आई एन जी, रीडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा होता, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या तुम संस्कृत पढ़ रहे हो, इसके जगह पे हम लगाते आई एन जी। ओके, सॉरी, आई एन जी नहीं, ऑब्जेक्ट लिखते, जैसे आर यू रीडिंग और इंग्लिश। ओके, तो डब्ल्यू एच फैमिली के लिए कुछ नहीं करना है। आपको बताए थे डब्ल्यू एच फैमिली वाले जब भी सेंटेंस आए तो यहाँ पर सिर्फ डब्ल्यू एच लिख देना है, यानी कि डब्ल्यू एच लिख देंगे यहाँ पे आ जाएगा सेंटेंस। आपको देते हैं, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? भाई क्यों जा रहे हो? तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? तो पहले डब्ल्यू एच, बाकी सबसे तो डब्ल्यू एच फैमिली यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि क्या होता है। क्यों, क्यों वाला में क्या है? वाई। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, तो वाई आर यू, वाई आर यू। जाना क्या होता है? गो। इसमें क्या लगाना है? आई एन जी। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। ओके, तो डब्ल्यू एच फैमिली भी इसका कंप्लीट कुछ बनाने के लिए देते हैं। अब इसे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सीता घर नहीं जा रही है।
क्या तुम कविता पढ़ रहे हो? मैं कैसे गीत गा रहा हूँ? ओके, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, सीता घर नहीं जा रही है, क्या तुम कविता पढ़ रहे हो? मैं कैसे, डिफिनेशन है कंप्लीट एनी वर्क एट प्रेजेंट टाइम, और कंप्लीट होगा तो उसके लास्ट में हम क्या बोलते हैं, मैं घर जा चुका हूँ, तुम किताब पढ़ चुके हो, तो मतलब ये कि उसके लास्ट में लिखा हुआ क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ओके, अब हम इसकी एग्जांपल की पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेम वही फार्मूला अपनाना है। कोई भी नाम हो, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले उसका नाम होगा, सब्जेक्ट या कोई भी होगा, सब्जेक्ट में क्या होते हैं, नाउंस या प्रोनाउंस होते हैं, वो तो लिखेंगे। इसके बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब में पता है कि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब याद रखते हैं, याद रखिएगा इसको, हैज या हैव। ओके, एंड वर्ब का जो है सो उसमें भी वन था प्लस आईएनजी, इसमें हम यूज करते हैं थर्ड, ऑलवेज यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल था, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब एग्जांपल लेते हैं, तुम घर जा चुके हो, तुम घर जा चुके हो, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, वो घर जा चुका है, तो तुम के लिए क्या होगा, यू, यू के साथ क्या लगता है, हैव, जाना का क्या होता है गो, इसका क्या लिखे, वी थ्री टू कहाँ होम। ओके फ्रेंड, अब इसमें अगर हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस वर्ब से पहले हम यहाँ नॉट लगा देंगे, बन गया निगेटिव, तुम घर नहीं जा चुके हो, नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गोन टू होम, निगेटिव बन गया। उसके बाद हम बात करेंगे अगर इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव के लिए बस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, जैसा कि हम लिखते आए हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए तभी समझ में आएगा अच्छे से। ओके, बस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्लस माइनस ऐसे नहीं याद रखिएगा, बस बनाने का है अपने को। ओके, एग्जाम्पल फिर हम इसका एक ले लेते हैं, कोशिश कीजिए खुद बनाने का। क्या क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या में क्या जाएगा, तुम के साथ लगता है हैज या हैव, तो पहले हम लिखेंगे हैव, तुम के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, मालूम होना चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम, हैव यू, पढ़ना का क्या होता है, रीड, वी थ्री भी रेडी होता है, पढ़ते रेड, ओके, रीड ही पढ़ते हैं, वी टू रेड पढ़ते हैं। निगेटिव के लिए बस वही करना है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देंगे, हैव यू नॉट रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, सिर्फ नहीं लिखना है,
बन गया। अब डब्ल्यू एच फैमिली के लिए बताए थे आपको, इससे पहले डब्ल्यू एच लिख देंगे, बन गया डब्ल्यू एच फैमिली। ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा स्ट्रक्चर रटने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप सीधा एग्जांपल से चलते हैं। एग्जांपल क्या है? मदन क्या पढ़ रहा है? मदन क्या पढ़ रहा है? क्या हो जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली? क्या के लिए क्या होता है? व्हाट हैज, सब्जेक्ट क्या है? मदन। पढ़ना क्या होता है? रेड, वी थ्री रेड। बन गया ये डब्ल्यू एच फैमिली। निगेटिव हो जाएगा अगर इसको निगेटिव करेंगे तो नॉट लगा देंगे, निगेटिव बन गया। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट इतना लंबा नाम है लेकिन है ये कुछ भी नहीं, सिर्फ ये फालतू दिया गया। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। अब ये कैसा सेंटेंस है भाई? देखो प्रेजेंट समय में जब कोई काम एक निश्चित समय से चलता आ रहा है इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं समझे? अब समझिए, जैसे मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, मतलब सोमवार से परफेक्ट काम होते आ रहा है, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, लगातार चल रहा है, तो इसे ही बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। में समय लगा होता है, तो समय लगा होता है तो कुछ नहीं करना है अपने को, तो सबसे पहले मालूम है कि सब्जेक्ट तो लिखना ही है, परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हम यहाँ हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे, है ना? हैज या हैव। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस भी है तो हम बिन लगा देते हैं, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, यानी कि वी1 प्लस आईएनजी बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट हो गया। से के लिए हम लिखते हैं सिंस या फोर, एंड लास्ट में बचेगा आपका टाइम। दिखने में इतना बड़ा लग रहा होगा स्ट्रक्चर, लेकिन ये हम खुद आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, ये है कुछ भी नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कोई समय से काम चलते आ रहा है इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, ओके, स्कूल जा रहा हूँ, रहा हूँ कंटिन्यूअस है ना, लगातार चल रहा है। तो पहले देखेंगे मैं के लिए क्या होगा, आई सब्जेक्ट, हैज या हैव, आई हैव, बीन, बीन लगा दिए। जाना का क्या होता है? गो, गो। कौन सा फॉर्म है? चौथा। क्या होता है? आई एन जी। कहाँ जा रहे हैं? टू स्कूल। से का इंग्लिश होता है, यानी कि ये सिंस या फोर लगा से के लिए। अब हम आपको बता देते हैं सिंस या फोर किसके साथ लगाएंगे। तो फ्रेंड जिसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 करके, उसके साथ हम फोर लगाते हैं, यानी कि फोर को गिनती आता है, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जैसे सोमवार, मंगलवार, 2001, 2005, इसको हम नहीं गिन सकते हैं,
तो इसके साथ हम लगाएंगे सिंस, जिसको गिन सकते हैं 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 वर्षों से, इसके साथ हम लगाते हैं 4। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सोमवार से, सोमवार को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, जिसको नहीं गिन सकते इसके साथ सिंस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंस टाइम क्या है, दिन क्या है, तो मंडे है ना, दिन है अपना मंडे, तो ये बन गया, कुछ था नहीं था, निगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए अपने को कुछ नहीं करना।